आज की रेसिपी सोया चाप, व्हाइट रिच ग्रेवी में, जो आपके खाने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दे। आप चाहें इसे सब्जी की तरह परोसे या स्नैक की तरह। मलाई जैसी ये सॉफ्ट चाप आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाप को काट कर तैयार करेंगे। तो ये तीन चाप वजन में 200 ग्राम। तो इनके अंदर के स्टिक निकाल लेते हैं और इनको छोटे छोटे आधा पौना इंच के पीसेस में काट लेते हैं। ये कट गए और इनमें मिलाते हैं थोड़े से मसाले। ये आधा छोटी चम्मच नमक और चौथाई छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च। काली मिर्च ताज़ा कूट कर ले लें और क्रशर है तो क्रश करके ले लें और बस इनको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। और अब इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये थोड़े से साबुत मसाले हैं, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1/2 इंच टुकड़ा सिनेमन का और 10-12 काली मिर्च। इसमें से हम बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च को दरदरा कूटेंगे। बड़ी इलायची को छील लेते हैं, इसके दाने ले लेंगे, छिलके हटा देंगे। काली मिर्च और ये लौंग, बस ये हल्का दरदरा कर लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं है ये। इन्हें रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब आइए गैस के पास। ये पैन ले लिया, इसमें डालते हैं 3 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में इन्हें सिकने के लिए लगा देते हैं। फ्लेम धीमी है, अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें नीचे की ओर से हल्के से गुलाबी होने देते हैं। इन्हें सिकते हुए 3 मिनट हो गए, पलट के देखते हैं। देखिए ये हल्के से गुलाबी हो गए नीचे की साइड से, इन सबको पलट देते हैं। इन्हें चारों ओर से इसी तरीके का गुलाबी होने तक सेक लेंगे। सोया चाप को तलना बहुत ज़रूरी है, तलने से इनके अंदर की लेयर्स खुल जाती है। जब इन्हें ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी इन परतों के अंदर भर जाएगी। दूसरी ओर भी सिकने देते हैं। इसमें ये पतले पीसेज हैं, ये सिक चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बाकी ये भी हो ही गए, दूसरी साइड से गुलाबी दिखने लगे, इन्हें भी निकालते हैं। फ्लेम को अभी बंद कर देते हैं। चाप सीख कर तैयार हो गए, अब ग्रेवी बनाते हैं। फ्लेम धीमी है, कढ़ाई में सफिशियंट 2 टेबल स्पून लगभग ऑयल है। ये चौथाई छोटी चम्मच जीरा, 1 ये तेज़पत्ता और ये सिनेमन का टुकड़ा और जो मसाले कूटे थे वो भी। 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च लिए हैं और हमने इसे जार में डालकर पीस लिया। मसालों को हल्का सा भून लिया और ये 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। ग्रेवी के लिए हमने लिया है 1/2 कप ताज़ा दही और 12-15 काजू, बहुत ही छोटे साइज के हैं ये। फ्लेम बंद कर देते हैं। ये काजू दही का पेस्ट, अब इसे अच्छे तरीके से तेल मसाले में मिक्स कर देंगे। फ्लेम को बंद करके डालिए। दही फटने का थोड़ा सा डर होता है क्योंकि टेम्परेचर बदलता है तो दही फट सकता है। अब ये सारी चीज़ें एक ही टेम्परेचर पर हो गई, अब फ्लेम को ऑन कर दीजिए और मसालों को लगातार चलाते हुए भूनिए जब तक कि इसमें फिर से उबाल नहीं आ जाता। आप इसमें काजू की जगह मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, और मूंगफली काजू नहीं डालें तो आप दही और मलाई से ग्रेवी बना सकते हैं। जितना दही लिया है उतनी मलाई ले लीजिए, बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और ये 2-3 मिनट में मसाले भुन भी गए फटाफट, ऑयल छोड़ने लगे हैं। अब हम चलाना छोड़ देते हैं, इन्हें थोड़ा और कुक होने देते हैं। अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून मलाई, आप इसकी जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, और इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिए। ये वाइट ग्रेवी है, इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट में होती है ये। आप रोजाना तीखे मसाले वाली सब्जी बनाते हैं, कभी कभी इस वाइट ग्रेवी वाली सब्जी को भी बना के देखिए, ये आपके मुंह का स्वाद एकदम चेंज कर देगी, आपको बहुत पसंद आएगी। ग्रेवी से घी अलग हो रहा है, तो ये दही मलाई सब भुन चुके हैं। तो अभी 1/2 कप पानी डाल देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, और मिलाते हुए इसे उबालते हैं। ग्रेवी में उबाल आ गया, अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। चाप में तो नमक पहले से ही है, ग्रेवी के लिए नमक डाल दिया है और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और चाप। अच्छे तरीके से मिला दिए। अब इसे ढककर धीमी आग पर 4-5 मिनट कुक होने देते हैं। 5 मिनट हो गए, थोड़ा सा इसे चलाते हैं।
और अब इसे ढककर फिर से 3-4 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक होने देता है। और 4 मिनट कुक कर लिया और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है और जो ये चाप है वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। दवाएं तो ग्रेवी निकल रही है इनके अंदर से और ऑयल भी ग्रेवी से अलग हो रहा है क्योंकि इन्हें हमने एकदम धीमी फ्लेम पर कुक किया है ताकि चाप के अंदर पूरी ग्रेवी भर जाए और चाप सॉफ्ट हो जाए। तो ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं सब्जी को। ये जो तेज पत्ता है उसे हटा देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर सब्जी के अंदर आ गया है। एक सिनेमन का टुकड़ा और था वो भी हटा देंगे। ग्रेवी आप अपनी पसंद से जितना भी पतली गाढ़ी रखना चाहें रख लीजिए। और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और ये तैयार मलाई सोया चाप बनकर तैयार है। इन्हें आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। बहुत पसंद आएगी सबको और इतनी सब्जी परिवार के 2 या 3 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जब आप सोया चाप को तलें तो फ्लेम को लो मीडियम रखें ताकि वो अंदर तक अच्छे तरीके से सीख जाए। और तेल मसाले में जब आप दही काजू का पेस्ट डालें तो फ्लेम को ज़रूर बंद कर लें, अच्छे तरीके से मिलाएं और फिर से फ्लेम ऑन कर लें। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।